आगे बढ़ते जा रहे हैं पर बालवीर कहीं दिख ही नहीं रहा है। तू तो ऐसा कह रहा है जैसे वो तेरा खाने पे इंतजार कर रहा है ना। वेरी फनी मानव, अभी थोड़ी ना सामने कैद किया होगा बालवीर को। जरूर किसी सीक्रेट जगह में छुपाया है बालवीर को और उसी जगह को हमें ढूंढना है मानव। चल मानव। अरे लेकिन मेहर यहाँ पे तो ऐसे कोई भी जगह नहीं दिख रही और ना ही यहाँ पे कोई इंसान है तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मेहर। मानव तू डर मत, बालवीर यही आस पास ही होगा सच्ची। चल बालवीर। बालवीर। अरे बालवीर। मानव शोर क्यों कर रहा है? अरे हमारी आवाज की वजह से कोई मुसीबत आ गई तो? चुप। सॉरी मैं। चल मुझे तो लगा कि तू मजाक कर रहा है। ऐसे डरावनी सिचुएशन पे मैं मजाक करूंगा? नहीं। ओपे की आवाज। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। छोड़ इसे जाने दे। अब ये सोच कि हम दीवार को कैसे पार करें। बालवीर खतरे में है, उसे बचाने तो दूर, हम तो उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। मानव मुझे लगता है इस पत्थर पर किसी भारी चीज को रखने से ये दीवार अपने आप खुल जाती है। जैसे अभी तो इस पे खड़ा हुआ था तभी दीवार खुल गई थी। हाँ। हमें जल्दी से किसी भारी चीज को ढूंढना होगा। अरे लेकिन ऐसी तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही। फिर मैं काम करता हूँ, मैं फिर से उस पत्थर पे चढ़ जाता और फिर तू जाकर बालवीर को बचा लेना। हाँ लेकिन पर मानव दीवार। मानव तो हम बालवीर को भी नहीं बुला सकते। बुला सकते हैं लेकिन उसके लिए मुझे उस पत्थर पर चढ़ना होगा और तुझे जाकर बालवीर को बचाना होगा। मानव तो पागल हो क्या है क्या?
नहीं, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अब सिर्फ बालवीर ही हमें बचा सकता है। जा मैं, जा। बालवीर जा, मैं तुझे बालवीर के घर सब मानू, जा मैं प्लीज। आज तो आप बच गए, वरना उन तीरों से आपके अंदर इतने छेद होते कि आप कंफ्यूज हो जाते कि सांस कहाँ से ले। और बेवकूफ इंसान, मेरी यहाँ हालत खराब हुई है और तुझे डायलॉग मारने की सोच रही है। मैंने तो समझाया था आपको कि मत करो, लेकिन मेरी कोई मानता ही नहीं। नहीं मानूंगा, जब तक मैं उन पिग्गियों को मजा नहीं चखा देता ना, मैं नहीं मानूंगा। रोहित वो देख, सैलोनी जा रही है, अब भी इसको मजा चखा दे। फिर पिटेंगे मोंटू बॉस। क्या? कुछ नहीं। जा, जाके रस्सी और डस्टबिन लेके आ, मेरे पास एक आइडिया है। जाता हूँ। मोंटू बॉस, आपने जैसे बोला मैंने वैसा कर तो दिया, पर मुझे करना क्या ये तो बताओ। देख, तू दीवार के पीछे जाके चुप जाएगा और फिर मैं इस यंत्र की मदद से सलोनी को यहाँ लाऊंगा और मैं सलोनी की जगह पर जाऊंगा, और जैसे सलोनी यहाँ आ जाएगी तो वो रस्सी खींच लेना और ये जो कचरा है ना वो सलोनी के ऊपर गिर जाएगा। वाह मोंटू बॉस वाह, इतना मार खाने के बाद भी आपका दिमाग दौड़ रहा है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि सलोनी आपकी जगह आ गई, ये मुझे पता कैसे चलेगा? मैं 1 2 3 बोलूंगा और 3 सुनते तू वो रस्सी खींच देना, समझा? ओके, जा जाके चुप जा। वन टू थ्री। अरे बालवीर, बालपरी का चित्र भी आईने में आ गया, इसका मतलब ये है कि बालवीर से बालपरी की सारी शक्तियां छिन गई है। मैं, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें कैसे भी करके बालवीर से रानी परी की शक्तियां छीनने से रोकनी होगी। हाँ चल। मानव, हमें कैसे भी करके बालवीर से शक्तियां छीनने से रोकना होगा। चल मैं। मैं
से क्या कर रहे, इसे आईना शक्तियां किसने बंद कर दे। अरे मेहर, हाँ ये देख, ये आईने की दोनों तरफ कांच है। ये तो बहुत ही अजीब बात है, अक्सर आईने में एक तरफ कांच होता है पर इधर तो दोनों तरफ है। मेहर मुझे लगता है कि एक तरफ का आईना शक्तियां लेने के लिए होगा और दूसरी तरफ का आईना शक्तियां देने के लिए, है ना? हाँ मैं इसे घुमाता हूँ। मेहर ये आईना तो बहुत टाइट है, घूम नहीं रहा है, तू भी ट्राई कर। गलती कर दी है बच्चों, और बालवीर के साथ तुम भी नहीं बचोगे। परी आप गहरी नींद से जाग गई। रानी परी, रानी परी, इसका मतलब ये है कि मानव और मेहर बालवीर तक पहुंच गए और उसकी शक्तियां वापस आ रही है। हाँ बाल परी, अब सब कुछ ठीक है और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज मानव और मेहर के साहस और सूझबूझ से महाविनाशनी को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। हो सकता, ये छोटे से बच्चे मुझे नहीं हरा सकते। हरा दिया है, महाविनाशी हरा दिया है। कहा था मैंने पहले आपसे कि मत फोड़िए जीत के पटाके। अब जल गया ना खुद का ही हाथ अपने ही बनाए हुए पटाखों से। कैसे किया ये बच्चों ने? बच्चे? ओह महाविनाशी है नहीं, ये सिर्फ बच्चे बल्कि है ये शातिर और होशियार बच्चे, है कर सकती है कुछ भी। आप चिंता मत कीजिए महाविनाश ने, गिलविली ने बालवीर को बचाने नहीं देगा। अरे जब है गई खुद यहाँ महाविनाश ने हिल, तो रोकेगा क्या मानो मेहर को गिल बिल। सलोनी, तेरा इंतजार कर करके मेरा जी कट्टा हो गया था और तू अब लाई है? चुपचाप पी, वरना ये भी लेके चले जाऊंगी। सॉरी सॉरी। जाने दो ना मोंटू बॉस, आपने इतनी मार खा ली फिर भी आपका पेट नहीं भरा क्या? मेरा पेट तो भर गया पर मेरा दिल नहीं भरा, और मेरा दिल तब भरेगा जब और मार खा लोगे, तब जब मैं इन पिद्दियों का टिफिन खा लूंगा तब। आ गया आइडिया, मैं पहले सलोनी को बच्ची को यहां से भगाता हूं।
क्या मोंटू बॉस भी सलोनी को हटा भी दिया तो भी नील तो होगा ही ना वहां पर, फिर टिफिन कैसे मिलेगा? अभी समझाता हूँ बॉस। अरे ये पक्षी है तो मोंटू बॉस। अबे बेवकूफ, मैं इधर ऊपर हूँ, उड़ रहा हूँ। मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, बॉस बॉस उठो, बॉस उठो। सलोनी आज टिफिन बहुत टेस्टी था ना? हाँ चल। देखा, अब 10 पिज्जा 10 बर्गर खिलाना। टाइगर तो यहाँ भी आ गया। जब तक बालवीर की सारी शक्तियाँ बालवीर तक पहुँचती है, हमें कैसे भी करके इस टाइगर से बचना होगा। छोड़ना नहीं, इन बच्चों को मेरे शेर, इन्होंने गिरबिर के क्षेत्र में आने की हिम्मत की है, कच्चा चबा जाए इन्हें। मानव, सिर्फ दो परियों की शक्ति बची है, हमें थोड़ी देर और बचना होगा इस टाइगर से। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो बच्चों, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। मेरे शेर, वार कर दे इन पर।